हेलो एवरीवन, आई होप कि तुम सारे बढ़िया होवोंगे। अज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीए क्लासेस दे ली जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो कवर करांगे। सिनोनिम्स का अर्थ होंदा है जो भी समान वर्ड्स होंदे हैं, मतलब वो वर्ड्स जिन्हों का सेम मीनिंग निकलता हो। फर्स्ट जी आप स्टार्ट करते हैं अबेंडन। अबेंडन का मतलब होंदा है किसी चीज़ को लीव करना या किसी चीज़ तो आजादी। फिर है जी एब्सोल्यूट, जिसका मतलब होंदा है कंप्लीट, प्योर और फुल। नैक्सट है जी एब्सर्ड, जिसका मतलब होंगे कोई भी चीज़ जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, आप क्रेजी कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं। अबंडेंट, जिहड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा होंगी है, प्लेंटीफुल, एम्पल, सफिशेंट, रिच। नैक्सट है जी अचीव, अचीव होंगे है किसी चीज़ को प्राप्त करना, जिस आप गेन, अर्न, अटेन कह सकते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट होंगे है जी प्रोफिशेंट, एक्सपर्ट एंड स्किल्ड। इस तो बाद है जी एडिक्वेट, जिसनों आप इनफ कह सकते हैं, सफिशेंट कह सकते हैं, कैपेबल कह सकते हैं, फेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी अडमायर, अडमायर होंगे किसी चीज़ की प्रशंसा करनी, अडमायर करना, वर्शिप, रिस्पैक्ट। नेक्स्ट है जी एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होंगी है जिसनों आप मिसफॉर्चून, बदकिस्मती कहने, मिजरी कहने। नेक्स्ट है जी एलियन, एलियन होंगे जो कि किसी नेटिव चीज़ का नहीं होंगे, मतलब जो आउटसाइडर होंगे, फॉरन कह सकते हैं, आउटसाइडर कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी अलाइव, अलाइव में आप लाइवली, लाइफ लाइक कह सकते हैं। अमेंड, अमेंड होंगे है जी किसी चीज़ को चेंज करना, इंप्रूव करना या ऑल्टर करना। एमिकेबल होंगे है जी कोई जिहड़ी चीज़ लवेबल होंगी है, एमिएबल होंगी है, फ्रेंडली होंगी है, सुटेबल होंगी है। नेक्स्ट है जी एंगजाइटी, एंगजाइटी होंगी है जब आप डाउट की गल करते हैं, मिजरी की गल करते हैं, अपन कोई चिंता होंगी है, वरी की गल करते हैं, उसने कहने हैं। नेक्स्ट होंगे है जी असिस्ट, असिस्ट का मतलब है किसी की हेल्प करनी, सपोर्ट करना या इन। नैक्सट है जी बेस, बेस में आप लो, मीन या हंबल कह सकते हैं। बिहेवियर, इसका सिनोनिम्स होंगे जी कंडक्ट, एक्ट, डिपोर्टमेंट। नैक्सट है जी ब्रेव, ब्रेव का अर्थ होंगे बोल्ड, करेजियस। ब्रिटल, ब्रिटल होंगे जी फ्रेल। ब्रूटल, ब्रूटल होंगे क्रूअल, सैवेज एनिमल। बिजी, ऑल्टर, ऑक्यूपाइड और एक्टिव। नैक्सट है जी कैलस, कैलस का मतलब होंगे हार्ड, इनडिफरेंट, कोल्ड ब्लडड। नैक्सट है जी काम, काम का मीनिंग होंगे कूल, सूट और क्वाइट। कैंसल, कॉल ऑफ और स्का। नैक्सट है जी कैजुअल, कैजुअल होंगे ओकेजनल, चैंस, अनसर्टन। कैटेगरी, ग्रुप, क्लास। नैक्सट है जी सेंसर, जो होंगे है रिप्रेमिड, ब्लेम, कंडेम। नैक्सट है जी चेस्ट, चेस्ट में आप प्योर, वर्जन कहने हैं। चूज, चूज होंगे किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, पिक करना, डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट है जी कमेंस, कमेंस होंगे जी किसी चीज़ की स्टार्टिंग और बिगनिंग। कंसील होंगे है जी जो आप अपने हाइड करते हैं, डिसगाइज करते हैं या कवर करते हैं। कन्फेस, कन्फेस होंगे जो आप किसी चीज़ को अकनोलज करते हैं, एडमिट करते हैं, अग्री करते हैं, रिलीव रिवील करते हैं किसी के सामने। नेक्सट है जी कॉन्सपीरेसी, इन आप साजिश कहने हैं, इंट्री, प्लॉट, ट्रीजन। नैक्सट है जी कंसल्ट, कंसल्ट जब आप किसी ना किसी चीज़ लिए कंसल्ट करते हैं, टॉक करते हैं, रेफर करते हैं, उसमें कहने हैं। कन्वैक्ट, कन्वैक्ट होंगे जी दोषी, जिमें क्रिमिनल, गिल्टी, कल्प्रिट। नैक्सट है जी कॉर्डियल, कॉर्डियल होंगे फीयरफुल, टिमिड, गटलैस। नैक्सट है जी कावरली, कावरली होंगे है टिमिड, गटलैस, कॉर्डियल होंगे है जी फ्रेंडली, हार्टी एंड वॉर्म। नैक्सट है जी क्रेडिबल, क्रेडिबल होंगे है जी पॉसीबल, ट्रू एंड बिलीवेबल, जिस चीज़ आप बिलीव कर सकते हैं। क्रिटिसिजम, क्रिटिसिजम होंगे है जी जो आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, जो रिव्यू करते हैं। क्रूशियल, क्रूशियल जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है, ज डिसीज, ट्राइंग, टेस्टिंग, उस लिए यूज करते हैं। क्रूअल, जो बंदा ब्रूटल होंगे, सैवेज होंगे, एनिमल होंगे, उस लिए यूज करते हैं। नैक्सट है जी डैमेज, जो किसी चीज़ का लॉस हों, हार्म हों, इंजरी होंगी है। डेंजर होंगे, डेंजर आप कहने जी रिस्क कहने। डर्थ, डर्थ का किसी चीज़ की कमी होना, लेक, वॉन्ट। डिसीज, ये होंगे जी डिमाइस, जो किसी की डैथ होना। डिसीट होंगे है जी जब आप किसी फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं। डिसीजन, डिसीजन जी जो अपनी जजमेंट होंगी है, जिसनों आप कंकलूजन भी कह सकते हैं, सैटलमेंट। नैक्सट है जी डिजेक्टड, डाउन हार्टड, डिप्रैसड, जो डिस्ट्रैसड होंगे। डिमाइज, फिर जी दोबारा रिपीट हो गया, डैथ या डिसीज लिए यूज करते हैं। डेमोस्ट्रेट, जो आप किसी चीज़ को शो करते हैं, इंडीकेट करते हैं, प्रूव करते हैं। डेनाई होंगे जी जो आप किसी चीज़ को रिफ्यूज करते, कुछ करने तो मना कर दें।
डिजायर डिजायर जो अपनी इच्छा होंगी है जिस जिसनों अपन लौंग फो या विश भी कह सकते हैं। डिस्ट्रक्शन होंगे जी जो तबाही हो जाती है रोइन डेमोलिशन उसकी यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी डिसअप्रूव डिसअप्रूव होंगे जो आप किसी चीज़ को रिजैक्ट करते हैं। नैक्सट है जी डिसमे डिसमे होंगे डिसकरेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट। डिसगस्ट डिसगस्ट होंगे जी जो चीज़ अपन पसंद नहीं उस यूज़ करते हैं। डिवाइन डिवाइन होंगे है जी गॉड लाइक एवनली या मैटाफिजिकल। नैक्सट है जी डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन आप कहने जी प्रिंसीपल नू जा टीचिंग नू। डोमिसाइल डोमिसाइल जी जो अपना रेजिडेंस होंगे होम होंगे जो डवेलिंग उस यूज़ करते हैं। डोमिनेंट डोमिनेंट होंगे प्रवेलिंग जो सारे कितने होंगे सुपीरियर होंगे ऑथोरेटिव होंगे। नैक्सट है जी ईजी ईजी आप यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ जी मॉडरेट होंगी कन्वीनियंट होंगी। अफेमिनेट वो होंगे जी जी चीज़ वीक होंगी अनमेनली होंगी जो वीमेन के रिलेटेड होंगी उसलिए आप यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी एलैबोरेट एलैबोरेट जो आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जब डिस्कस करते हैं। एलीवेटेड एलीवेटेड होंगे जी किसी चीज़ का वधना राइजन अपग्रेडेड और सिंपल। एलीगेंट होंगे जी जी चीज़ ग्रेसफुल होंगी ज रिफाइंड होंगी। एलिमिनेट जी चीज़ आप रिमूव कर देने डिसमिस करते हैं रिप्लेस करते हैं। नैक्सट है जी इनकाउंटर इनकाउंटर जो आप किसी काम अक्रॉस कॉम्बैट या फाइट में कहने। इंडेवर होंगे जी अपनी कोई अटैम्प्ट करना कोई एफर्ट करना कोशिश उस यूज़ करते हैं। इंडोरेंस होंगे जी अपने कि पेशेंस है कॉन्टीन्यूसेंस है उस चीज़ लिए यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी इंटरटेन इंटरटेन अम्यूज या ट्रीट इस चीज़ों लेंगे हाँ। नैक्सट है जी एंथुइजम जिस इंटरस्ट या जील या इनकरेज ये सारिया चीज़ा इस यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी एथिक्स एथिक्स होंगे कि अपनी कि मोरैलिटी है फिलोसफी है मोरल्स ने उस दे ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एविडेंस एविडेंस हो गया जी अपना प्रूफ एंड विटनेस। एक्सट्रावेजेंट यह होंगे जी स्टाइलिश एक्सेसिव एंड लैविश। नैक्सट है जी फैबुलस फैबुलस होंगे मिथिकल फिक्टिशियस। फेलर फेलर होंगे जी लैक ऑफ सक्सैस डिफीट। फैटल होंगे जी कोई चीज़ डेडली होनी मॉटल होनी। फटीक फटीक होंगे जो आप थकिया हुआ महसूस करते हैं टायरनेस वेयरनेस एक्सोलेशन। नैक्सट है जी फिगुरेटिव यह होंगे जी इमेजिनेटिव फ्लैक्सीबल जी चीज़ आप चेंजेबल होंगी है वेरिएबल होंगी है। नैक्सट है जी फॉरवर्ड जो चीज़ होंगी डिनोट कर सकते हैं इंडीकेट करते हैं उस यूज़ किया जाता है। इस तो बाद है जी ग्लोरी ग्लोरी का मीनस होंगे कोई भी चीज़ जी मैगनीफिशेंस होनर हो स्पलेंडर हो ग्रेटफुल ग्रेटफुल होंगे जो आप किसी का थैंकफुल होंगे। ग्रीडी ग्रीडी होंगे है भी कोई भी चीज़ एनवियस हो गया कोविटस हो गया जो कोई ज़्यादा लालची बन जाता है। नैक्सट है जी हार्डशिप हार्डशिप होंगे कोई चीज़ को लेकर डिफिकल्टी एडवर्सिटी और ट्रबल नहीं यूज़ करते हैं। हैजर्ड होंगे जी जब कोई एक्सीडेंट हो डेंजर हो कोई रिस्क हो उसलिए यूज़ करते हैं। हिलेरियस होंगे है जी कन्वीवियल जॉयस एंड अम्यूजिंग। हिंडरेंस होंगी है किसी भी तरह की अपन कोई प्रॉब्लम होनी रुकावट जिसनों आप ओबस्टैकल ओबस्ट्रक्शन कहते हैं। होमेज होंगी है जो आप किसी ट्रिब्यूट देने हाँ। होरिजन होंगे जी लिमिट वर्ज और बाउंड। नैक्सट है जी ह्यूमरस ह्यूमरस जो हास्य भरपूर होंगे कॉमिकल लाफेबल अम्यूजिंग। हाइपोक्रेसी होंगी है जी डिसीट किसी धोखा देना प्रटेंस ये सारिया चीज़ें सचा हैं। आइडियल होंगे है जी विजनरी आइडेंटिटी होंगी अपनी रैकोगनीशन सेमनैस इंडिविजुअलिटी। इग्नोरेंट होंगे जो आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं इलइनफॉर्म्ड इलिटरेट अनलर्न। नैक्सट है जी इंडोलसेंस इंडोलसेंस होंगे जी इनएक्टिविटी लेजीनैस। नैक्सट है जी इनफीरियर इनफीरियर जी चीज़ ज़्यादा वधिया नहीं होंगी जूनियर लोअर सबॉर्डिनेट। इनहेरेंट होंगे जी किसी चीज़ को आप स्टार्टिंग ही प्राप्त करते हैं इनबॉर्न इननेट या बिल्ट इन। इरेगुलर इरेगुलर होंगे है जी जी चीज़ इमप्रॉपर हो अनपंक्चुअल हो। नैक्सट है जी जुबिलेंट इसका मीनिंग होंगे है कुछ भी हैप्पी इलेटेड। नैक्सट है जी जुम्बो जुम्बो होंगे है बी मौत क्लोजर माइटी। नैक्सट है जी जस्टिफाई रैशनलाइज कोलैबोरेट कोरोबोरेट एंड विंडिकेट। नैक्सट है जी कीन कीन होंगे है जी अलर्ट परसैप्टिव एंड सेंसिटिव। किड किड जब चाइल्ड लिए यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी नॉलेज इनफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कुडोस कुडोस होंगे जी किसी कंग्रेचुलेट करना एक्लेम डिस्टिंक्शन। नैक्सट है जी लैंग्विश ए ड्रूप वीकन और डायली यूज़ किया जाता है। लेटेंट होंगे जी टायर्डनेस जो आप बहुत ज़्यादा थकिया महसूस करते हैं।
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ, ਲਵਿਸ਼, ਪ੍ਰੋਡੀਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਟੋਲਰੈਂਟ, ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲੋਇਲ, ਲੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਫੇਥਫੁਲ, ਡਿਵੋਟਡ। ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਵਿਸ਼, ਪਲਸ਼, ਰਿਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡ, ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਂਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਚੈਂਟਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਪ ਇਨਸਿਸਟੈਂਟ, ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਸਕੁਲਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਮੇਨ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਕੋ ਮੇਨਲੀ ਜਾਂ ਮੈਨਿਸ਼, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟਰ, ਮੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਲਈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਈ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਟ੍ਰੇਨਰ, ਕੋਚ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ, ਫਿਊਜ਼, ਮਿੰਗਲ, ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਟਿਵ, ਨੇਟਿਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਲੀਅਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਿਗਲੈਕਟ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਰੀਗਾਰਡ, ਇਗਨੋਰ, ਫੇਲ, ਓਮਿਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਗਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈਕਸ, ਕੇਅਰਲੈਸ, ਡਿਮਿਸ ਜਾਂ ਸਲੈਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਦੀ, ਫੋਰਮਲ, ਐਪੇਰੈਂਟ, ਨਰਚਰ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਰਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਵਰਥੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਫੇਮਸ, ਗਲੇਰਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੋਵਿਸ, ਨੋਵਿਸ ਬਿਗਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਸ਼ਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਓਬੀਡੈਂਟ, ਓਬੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਡੋਸਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਅਮੈਂਡੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਬਲੋਕ ਹੋਵੇ, ਹਰਡਲ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਓਫੈਂਸਿਵ, ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਗਸਟਿੰਗ, ਫੋਲ ਐਂਡ ਓਰਡੀਅਲ, ਓਰਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ, ਕਰੂਸੀਬਲ, ਅਗੋਨੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ, ਓਥੈਂਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰਥੋਡੋਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਨੋਟਿਸੇਬਲ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟੈਂਟ, ਮਾਈਟੀ ਲਈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਜੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਡੈਪਟ, ਸਕਿੱਲਡ, ਐਕਸਪਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟ, ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਇੰਪੈਲ ਲਈ, ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਕ, ਕੁਐਕ ਹੁੰਦਾ ਫੇਕ ਜਾਂ ਫਰੋਡ, ਇੰਪੋਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਈਰ, ਕੁਈਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਡ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਔਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸ਼, ਕੁਐਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਐਲ ਕਰਨਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਲ, ਕੁਐਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਸ਼, ਕੁਐਂਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ, ਲੋਜੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਟੀਫਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਡੀਕਲੂ ਔਰ ਰੈਲੀਵੈਂਟ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਰਿਡੀਕਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੈਵੀ, ਸ਼ੈਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਬੋਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਡੈਸਰਿਪਟ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਰਟਕਮਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਡਿਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਲੋਕੈਂਟ, ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ, ਸੁਜੈਸਟਿਵ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕ, ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੌਂਚ, ਸਟੌਂਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰਮ, ਲੋਇਲ ਜਾਂ ਟਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੋਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਕੇਟਿਵ, ਟੋਕੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੈਟੀ, ਟੋਕਲੀ ਔਰ ਟੋਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਡਰ, ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਲਰੈਂਟ, ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਐਂਡ ਮਰਸੀਫੁਲ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੂਸਿਡ ਹੋਵੇ, ਲਿਬਿਡ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਗਡ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਟਮੋਸਟ ਐਂਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਕ, ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੀਟਰੀ, ਪੀਅਰਲੈਸ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
यूनिवर्सल यूनिवर्सल जी ग्लोबल पेंडेमिक होंगी है जी, यूजुअल जी चीज़ है आप यूजुअल कहने ऑर्डनरी ऑर्डीनरी हो गया जी, वॉन्टड हो गया। नैक्सट है वेन, वेन होंगे है जी जी चीज़ फुटाइल होंगी है, ईगोइस्टिक होंगी है। इस तो बिना जी वायलेंट, वायलेंट होंगी है जो एक तरह की हिंसा हो जाती है, फायरस फनैटिकली फरोशियस। इस तो बिना भी विक्टिमाइज, विक्टिमाइज होंगे है जी गुल स्विंडल। वाइटल, वाइटल होंगे है जी जी चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी है, फंडामेंटल होंगी है, ओरिजिनल होंगी है। विविड, विविड आप ब्राइटली यूज़ करते हैं, कलरफुली आप कई बार ब्राइट भी पूछ लिया जाता है तो विविड हो जाता है जी। वॉलंटरी जी चीज़ आप आपके अकॉर्डिंग करते हाँ। विलिंग अनफोर्स्ड जिथे आपको फोर्स नहीं किया जाता। वलगर, वलगर होंगे है जी बोरिश इगनोबल। नैक्सट है जी विकेड, विकेड जी चीज़ बढ़िया नहीं होंगी, आप कह सकते हैं ईवल होगी किसी किस्म की, वो यूज़ आप करते हैं। नैक्सट है जी जीनत, जो कि चीज़ जो पूरे पीक पर पहुँच जाती है, कलमीनेशन से समिट पर। जील होंगे जी उत्साह हो गया, इंथुजम हो गया, एनर्जी होगी। जेस्ट होंगी है जी जो आप टैंक कह सकते हैं, रैलिश तो फ्लेवर। इस तो बाद जी अपने टैक्सट बेस्ड हैं जिदा रिमैंबर, ट्रबल, हैल्प, मिसटेक, गार्ड। एक बार इन्होंने रीड आउट कर लेना है, तो इस जो अपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं उसकी वीडियो खत्म होती है। थैंक।